अगर आपने दिल्ली में शिक्षक बनने के फॉर्म भरे हैं तो आप जरूर इस वीडियो का वेट कर रहे होंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो काफ़ी फ्रेंड्स के मेरे पास कॉल्स मैसेजेस आए थे कि जो SSA के तहत वैकेंसीज आई हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत DOE में जो वैकेंसी आई हैं, तो उनमें मेरिट किस बेस पे बनेगी। तो सबसे पहले साथियों आपको बता देता हूँ, वो वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और 2-2.5 महीने के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद 13 तारीख उसमें लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, 18 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो सभी के माइंड में क्वेश्चन है कि मेरिट कैसे बनेगी, किस अकॉर्डिंग बनेगी, हालांकि उसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसमें मेरिट बनेगी। तो क्वेश्चन यह है कि मेरिट कैसे बनेगी, हालांकि काफी साथियों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है मैं उसको बता देता हूं कि मेरिट इस अकॉर्डिंग बनेगी। आप देख सकते हैं अभी अपनी स्क्रीन पे, तो आपको क्या करना है, 10th, 12th और JBT, इनकी परसेंटेज को टोटल कर लेना है। आपकी जितनी भी परसेंटेज आई है 10th में, 12th में या JBT या जिसे हम DED भी बोलते हैं, उन सभी की परसेंटेज को आपको प्लस करना है और इसके बाद उसको 10 से डिवाइड करना है। मैं बता देता हूं कैसे करना है आपको, 10th, 12th, JBT की परसेंटेज को टोटल करके उसको 10 से डिवाइड करना है। अभी आप देख सकते हैं, तो सपोज करो आपके 10th क्लास में 75% आए हैं, 12th में 80% और JBT में 85%। अब हमको क्या करना है कि इनको टोटल करना है, 75, 80 और 85 को टोटल करेंगे तो टोटल कितना बनेगा, 240। तो 240 को हमें 10 से डिवाइड करना है, तो आंसर कितना है आपका, 24। तो ये आपके 24 मार्क्स हैं 30 में से, टोटल कितने में से ये मेरिट, 30 में से, मींस 30 में से आपके 24 मार्क्स हैं। और साथियों बता देता हूं, ये भी क्वेश्चन होगा सभी के माइंड में कि कितने मार्क्स वाला अपने आप को सेफ समझे, तो 25 के अराउंड जिसके मार्क्स हैं 25 प्लस, उसके चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। 25 से अगर प्लस है तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, 24 वाले के बहुत कम होते हैं। अप्लाई जरूर करें, कई बार क्या होता है कि कम वैकेंसी सोच के बहुत कम अप्लाई करते हैं, तो आप अप्लाई जरूर करें 24 वाला भी, देखें कि मतलब क्या है, कि एक्सपीरियंस मिलेगा नया। तो इस तरह इसकी मेरिट बनेगी साथियों, और उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो अपने व्यूज जरूर दें। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।